कल मैं जैन संत विमल सागर सूरी सूर्य जी महाराज का एक वीडियो सुन रहा था। 20 अगस्त का था। उसमें मूर्ति पूजा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो अपने प्रवचन में दे रहे थे, मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने जितना सुना उसमें उन्होंने मूर्ति पूजा के महत्व के साथ तार्किक सवाल जो उठ सकते हैं उनका जवाब भी अपने उस प्रवचन में दिया था। और मुझे लगता है उन सवालों को सुनने के बाद बहुत समझदार तार्किक लोग भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। अपने प्रवचन में उन्होंने एक बहुत गंभीर बात यह रखी कि तेरापन समाज में आचार्य भिक्षु जी की जितनी माला फेरी जाती है, अरहंत भगवान की या तीर्थंकरों की नहीं फेरी जाती, क्योंकि यह प्रेरणा इसलिए नहीं दी जाती होगी कि जब हम तीर्थंकरों की माला फेरेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मूर्तियां भी आ जाएगी, और जब मूर्तियां सामने आ जाएगी कुछ ऐसा भाव आ जाएगा तो फिर वो परंपरा भी आ सकती है। इसलिए उसे वो न आए संभवतया मुनि श्री जी का कहने का आशय यही था। और उन्होंने यह बहुत स्पष्ट किया कि कहने को यह कह दिया जाता है कि मूर्तियां निष्प्राण होती है, निर्जीव होती है, लेकिन यह नहीं पता कि मूर्तियों में प्राण तो नहीं भरे जाते, मूर्तियों की आंखें तो नहीं खुलती, बोलती तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी पूजा प्रक्रिया के द्वारा विद्वान लोग जागृत, जैसे कहते हैं कि वैदिक शास्त्र में भी कहते हैं कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, विधान के द्वारा, कुछ ऐसे तत्व उसमें समाहित किए जा सकते हैं जिससे उस पूजा का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कि आप जब बीमार होते हैं, आप डायग्नोसिस कराने के लिए जाते हैं, आपकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग करने वाली मशीन निर्जीव ही होती है, टेस्टिंग करने वाला मनुष्य होता है, उसमें प्राण होता है, लेकिन साधन निर्जीव है और उसके बाद भी हम उसके भरोसे पर रहते हैं। जिस तरह से हम गोली खाते हैं, टेबलेट कैप्सूल्स, वो भी निर्जीव होते हैं, पर वो हमारे शरीर में जाकर के, हमारे शरीर के प्राण से जुड़ करके अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, हमें स्वस्थ बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि संत श्री के भावों को मैं ठीक वैसे कह पाया हूं या नहीं, मैंने अपनी भाषा में उसे उनके मूल को पकड़ करके कहने का प्रयास किया है, मुझसे भूल हो सकती है, उसके लिए क्षमा करावे। लेकिन इस वीडियो को सबको सुनना चाहिए। ज्ञान जहां से भी मिले ज्ञान लेना चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि जहां पंथ संप्रदाय के विस्तार की बात आती है वहां वन वे ट्रैफिक ही हम रखते हैं। आप मेरे हो सकते हो लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। हमारी परंपराएं यह कहती है, हमारी परंपराएं वो कहती है। अरे साहब, जब आप किसी को अपनी तरफ ला सकते हो तो फिर आपके अंदर इतनी उदारता क्यों नहीं कि आप भी
उसके ग्रंथों को पढ़ें, उनके गुरुओं की तरफ जाएं, ज्ञान जहां से मिले, जो आपको लगे कि ये लेना हमारे लिए उचित है, हमारे वहां इस ज्ञान की बात नहीं की गई है, हम इसको समाहित कर लें। लेकिन जहां पंथ के विस्तार की बात होती है, वहां पर आपके कदम वहां रोक दिए जाते हैं, यूं कहिए एक बाड़ बना दी जाती है। सोशल मीडिया पर आज हमारे सूरत से पत्रकार मित्र श्रीमान भंसाली साहब का, गणपत जी भंसाली जी का एक आलेख पढ़ रहा था। बहुत बहुत ही शानदार आलेख था और एक उद्धरण उन्होंने जो दिया था, पंजाब के सोहन सिंह जी मक्कड़ साहब, 78-80 ईयर्स की एज, 23-24 वर्ष पहले वो तेरापन से जुड़े। आप शब्दों पर गौर कीजिएगा और भावनाओं तक जाइएगा, तब आप समझ पाएंगे कि मैं इस उद्धरण के माध्यम से कहना क्या चाहता हूं। सिख परिवार से, सिख मान्यता, गुरुवाणी जहां आता है, गुरु ग्रंथ जहां आते हैं, गुरु नानक सिंह जहां आते हैं, तेग बहादुर जी जहां आते हैं, लेकिन भावना में उदारता। कहा जाता है कि उस वक्त हमारे तेरापंथ धर्म संघ के जो मुनि 23-24 साल पहले वहां पर चातुर्मास या प्रवास कर रहे थे, उस वक्त सोहन सिंह जी मक्कड़ साहब उनके संपर्क में आए और जब मुनि श्री जी के सानिध्य में उन्हें उचित अच्छा मार्गदर्शन मिला, यह संपर्क बढ़ता गया। और यह आचार्य श्री तुलसी जी का काल था और उनका आना जाना तेरापंथ धर्म संघ में गुरुओं के चातुर्मास में भी संभवतः शुरू हो गया था। एक बार की बात, इस आलेख को सरसरी नजर से पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आई, अगर कहीं कोई मेरे समझने में और बयान करने में कहीं चूक हो गई हो तो भंसाली साहब मुझे माफ कीजिएगा, कि लाडनू में आचार्य श्री का चातुर्मास काल था और वहां पर सोहन सिंह जी मक्कड़ साहब भी अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ आए हुए थे। आचार्य श्री जी ने जब एक पगड़ीधारी सरदार जी को देखा, संभवतया इसी भाव की वजह से उन्होंने उनको निकट बुलाया और ये इनके लिए अपने आप में बहुत ही भावुक और बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि अति प्रिय क्षण था कि इतनी भीड़ में इतने बड़े आचार्य ने, गुरु ने संकेत से निकट में आने का निर्देश दिया और उनके बाद में उन्होंने इनकी जानकारी ली, पूरी जानकारी ली। मुझे नहीं मालूम गुरु धारणा हुई या नहीं, लेकिन वो आलेख ये कहता है कि सोहन सिंह जी मक्कड़ साहब, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ और वर्तमान में आचार्य श्री महासरमन जी के तकरीबन चातुर्मासों में दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। ये देखिए भावना, ये देखिए उदारता, ये गुरुग्रंथ साहिब भी, गुरुग्रंथ की वाणी है वो भी पढ़ते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं और उसके साथ साथ तेरापंथ के गुरुओं का जो भी उन्हें दिशा निर्देश या जो भी पुस्तकें ग्रंथ हैं उनका भी वो अध्ययन करते हैं। यह है उदारता। मेरा सवाल यहां से बनता है, एक सिख परिवार, सरदार परिवार का व्यक्ति आपके यहां आया, आपने उन्हें ज्ञान दिया, दर्शन दिया, उन्हें अच्छा लगा, वो अपने धर्म को भी मान रहे हैं और आपकी परंपराओं का भी काफी हद तक पालन कर रहे होंगे, आपके प्रति भी बड़ी असीम श्रद्धा है, आस्था है,
गुरुद्वारों के ग्रंथियों ने तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर ऑब्जेक्शन होता, उनके धर्म से कोई ऑब्जेक्शन होता, तो सोहन सिंह जी मक्कड़ साहब के लिए बड़ी जटिल स्थिति बन जाती। जब इधर भी आस्था है, उधर अपना धर्म है, और एक राह पर जाना हो तो एक को छोड़ना पड़ेगा, और दोनों से दिल जुड़ा है, दोनों से मन जुड़ा है, आखिर किसी को भी छोड़ना बहुत असह पीड़ा का काम बनता है। लेकिन सैल्यूट कीजिए सिख धर्म की उदारता का, कि उनके अपने लोग जैन धर्म की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हैं, गुरुओं की वाणी को भी ले रहे हैं, और इधर गुरुद्वारे में भी आकर के अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब थोड़ा हमारी तरफ देख लीजिए, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं पूरे समाज के सामने इस पटल पर इसलिए रखना चाहता हूं कि हमारी उदारता कितनी है, ये गौर करने वाली बात है। अगर कोई तेरापंथी परिवार का व्यक्ति श्रावक अपनी श्रद्धा से सिख धर्म में या ऐसे किसी भी धर्म में जहां पर कुछ बातें उन्हें वहां अच्छी लगती है, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, और उन अच्छी बातों के लिए वहां पर वो आता जाता रहता है, और आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वहां पर उदारता से अनुदान भी देता है, वहां के सेवा कार्यों में भी हिस्सा लेता है, आपके यहां भी आता है, उधर भी जाता है, आप क्या स्वीकार कीजिएगा? क्या आप उसके पैरों में जंजीरें न लगाइएगा? क्या आप उसको बंधन में बांधने की कोशिश नहीं कीजिएगा? क्या आप उनसे कोई शपथ पत्र तो नहीं लिखवाइएगा? अगर वो आपके आपके संप्रदाय में भी, आपके समाज में भी कोई पदाधिकारी हो, मुझे याद है आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का वो कालखंड रहा होगा, एक बड़े पहुंचे हुए संत गुरु जी हैं, गुरुवानंद जी स्वामी, बड़े अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे वक्ता कि एक ही प्रसंग में कई विषय उठा देते हैं और घुमा करके उसकी कड़ी को बहुत शानदार तरीके से जोड़ देते हैं। जब वो धारा प्रवाह बोलते हैं तो पूरी सभा सम्मोहित हो जाती है, क्योंकि उनके एक कार्यक्रम का जिनमें उनकी उपस्थिति थी, मैंने उस मंच का संचालन किया था और मैंने बहुत गंभीरता से देखा था। जिनके पास कुछ ऐसी अद्भुत चमत्कार भी हैं, तुरंत गले में माला और व्यक्तित्व के अनुरूप मालाएं बनती है, और जब ये चमत्कार कोई भी देखता है तो आकृष्ट होता ही है, वो उनके पास जाता ही है। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो तेरापन समाज के भी बड़े प्रबुद्ध लोग उनकी तरफ आकृष्ट हुए थे, और कुछ लोग आज भी आकृष्ट हैं। मैं उनकी निर्भीकता को सलाम करता हूं, लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या हुआ? अगर मैं ये कहूं कि उन पर एक तरह से फतवा जारी करने की सी कोशिश हुई तो शायद अनुचित नहीं होगा, उनसे शपथ पत्र लिखवाया गया, उनके वहां जाने में एक श्रद्धा वाली बात में कि वो उनको बुलाते थे, अनुदान देते थे, उनका कार्यक्रम करवाते थे, उसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रतिबंधित किया गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी डटे हैं, वो अब भी अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समाज के पदों का लोभ नहीं है। लेकिन कुछ लोग, यह भी हो सकता है, जो पदों की पहचान से ही अपनी पहचान रखते थे,
फिर उन्होंने उस प्रतिबंध को स्वीकार भी किया। सोचना पड़ेगा साहब, मेरे सवालों पर बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है, कैसे पुराने सवाल उठाने से क्या औचित्य, और यह सवाल विरोध के लिए नहीं है, यह सवाल इस बात के लिए है कि उदारता रखिए। उदारता से विस्तार होता है, संकीर्णता से विस्तार नहीं होता। ज्ञान का कॉपीराइट या ज्ञान का भंडार सिर्फ हमारे पास ही है। अगर किसी के मन में यह भावना है और ये अगर एक तरह का अपने आप को परिपूर्णता का संपूर्णता का अहम है, तो फिर सतत्व में और आचार्यत्व पर भी सवाल उठता है। मैं एक बात और कहता चलूं कि इस परिपाटी में वर्तमान आचार्य पर हमारा सवाल नहीं है। उन पर इस रूप में सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि यह परिपाटी पुरानी है, और अगर मैं कहूं कि आचार्य तुलसी के कालखंड से ही है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उससे पहले का कालखंड मेरे ध्यान में नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। पर वर्तमान को द्रव्यकाल क्षेत्र के आधार पर कुछ सोचना चाहिए। जब हम बहुत सारे परिवर्तन प्रक्रियाओं में कर देते हैं और यह कहते हैं कि द्रव्यकाल क्षेत्र के आधार पर ये चीजें बदलनी पड़ती है, आचार्य के पास अधिकार है, तो क्या आचार्य के पास उदारता की पगडंडी बनाने का अधिकार नहीं है? ये मेरा सवाल है। जब भगवान महावीर स्वामी भी सत्य की पराकाष्ठा तक पहुंचकर तीर्थंकर बनकर के यह कह सकते हैं कि सत्य को अपने अपने हिसाब से खोजिए, उन्होंने भी अपना ठप्पा नहीं लगाया। यह मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन भगवान महावीर के जानकार लोगों से जिन्होंने भगवान महावीर को पढ़ा है और जो भगवान महावीर का स्तुति गान ही प्रमुख रूप से करते हैं, उनसे जब भी बात होती है मुझे ऐसा समझने में आया है। और मैं कहूं कि सूर्य नगरी से कैलाश राज सिंघवी साहब की बात इस संदर्भ में हो सकती है, और किसी के मन में सवाल हो तो आप उनसे समाधान भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के दोनों पोस्टें अपने आप में अद्भुत हैं, हमें सोचने को मजबूर करती है। कहां जा रहे हैं पंथवाद के विस्तार में, संकीर्णता के चक्रव्यूह में क्यों फंस रहे हैं? अपनी परंपराएं ठीक है, अपनी परंपराओं की अनुपालना कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि जब आप दूसरे संप्रदाय में दूसरे धर्म की विविधता को अपनाने की बात करते हैं तो आप अपनी परंपराओं को ताक में रख दीजिए। आप अपनी परंपराओं को मानिए, उन पर प्रतिबद्ध रहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी तो ज्ञान है, उसे लेने में कहां दिक्कत है साहब? लेकिन हमारे यहां एक डर है, हमारे यहां एक डर है कि हमारे अनुयायी फिर कहीं उनके गुरु, उनके संत को बहुत बड़ा मानने लग जाएं। ये अपने आप में असुरक्षा की भावना बता रहा है। इसका मतलब फिर हमारी वाणी में वो जुड़ाव नहीं है, हम अपने ज्ञान को उस रूप में कह नहीं पा रहे हैं। और तब एक सवाल और बनता है, कब कहेंगे
कैसे कहेंगे, क्योंकि हम तो संस्था सभाओं में ही उलझे हैं। किसको बिठाना, किसको उठाना, किससे त्याग पत्र लेना, किसको नीचे गिराना। कोई अगर किसी सभा का अध्यक्ष है और उसने अगर हमारी बात कभी किसी रूप में नहीं मानी तो वहां पर उसका कार्यक्रम सफल नहीं होने देना। और हम भूल जाते हैं वो कार्यक्रम उस व्यक्ति का नहीं है, वो कार्यक्रम इस समाज की सबसे बड़ी सर्वोच्च आस्था के नाम पर है, लेकिन हम उस व्यक्ति से रंजिश निकालने के लिए क्या क्या कह देते हैं। वक्त गुजरता जाएगा तब भी ये चीजें भूली नहीं जाएगी। लोग अच्छी चीजों को भी याद रखते हैं तो कड़वी चीजों को भी याद रखते हैं। और मूल बात यह है कि अगर संत समाज या संत प्रमुख, आध्यात्मिक प्रमुख, समाज प्रमुख इस पर विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं जानता हूं कि दोनों संदर्भ, अंधी आस्था, अंधी भक्ति और जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगे हैं चाटुकारिता के दौर में, उन्हें मेरे इन दोनों संदर्भों पर एतराज होगा। लेकिन मैंने दोनों संदर्भों को आज के परिप्रेक्ष्य में अपने विवेक बुद्धि ज्ञान के आधार पर विवेचित करने का प्रयास किया है। भूल तो मुझसे भी हो सकती है, बयान करने में भी, समझने में भी, पर तार्किक सवाल हो, कोई तर्क से समझाए तो हम समझने को भी तैयार हैं। लेकिन कोई अगर यह कह दे कि हमारी परंपरा में नहीं है तो नहीं है, तो साहब फिर हम यह कहेंगे कि आज की परंपरा में वो प्राचीन परंपराएं कितनी लगी हुई है, वहां उतना यह बदलाव क्यों हुआ है। फिर दर्भ काल क्षेत्र से इनमें भी बदलाव मत कीजिए ना, वो भी फिर वैसा ही अक्षुण रखिए जैसा कहा गया है, बिल्कुल उसी लीक पर चलिए। जहां आपको अपनी सुविधा करनी है वहां आप लीक बदल देंगे, पगडंडी बदल देंगे, और जहां सोच सही करनी है वहां आप उसी परंपरा को, उसी लीक को बता देंगे जो उस समय काल के आधार पर सही हो सकती है, लेकिन आज के कालखंड में वो सही नहीं भी हो सकती। इस पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता। माफ कीजिएगा, जब हमारे अंदर उदारता नहीं होती तब जब हम जिन प्रायोजित शब्दों को खरीदते हैं, प्रायोजित आवाज को खरीदते हैं, वो हमारे प्रमुख के नाम पर उनकी फोटो लगा करके अपनी बात कहते हैं, लोग सोचते हैं कि यह तो आचार्य श्री महाशर्मन जी का कोई संदेश आएगा, लेकिन यह समाज कुछ नहीं करता, क्योंकि गलतियों में सुधार करने की प्रवृत्ति कुछ कम है जी। ईगो रखना है, प्रतिष्ठा रखनी है। अगर कोई मसला समाज के उन लोगों ने उठा दिया जिन्हें आप विरोधी कहते हैं, अगर उन्होंने कोई सुझाव दे दिया तो वो सुझाव चाहे कितना ही अच्छा, मजबूत क्यों ना हो, आपको भी लगता हो कि हां ये किया जा सकता है, पर नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि संजय सनम बोला है, फला व्यक्ति बोला है, उसने लिखा है, उसने कहा है। मैं सच कह रहा हूं, बात दूर तक लगेगी, लेकिन जितनी लगेगी उसी पीड़ा से सच्चाई समझ में आएगी। और अगर नहीं समझे तो याद रखिएगा, हर्जाना भी ब्याज सहित देना पड़ेगा, क्योंकि समय सबका हिसाब लेता है। अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझे भी उसकी कीमत चुकानी है, और अगर आप गलत करते हैं, करवाते हैं या सही नहीं कर सकते तो आपको भी अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। वक्त की अदालत में संत, आचार्य, गुरु और सामान्य व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, बल्कि इतना है कि जो जितने बड़े पद पर है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी है और उसका गुनाह भी उतना बड़ा है।
अगर मेरे शब्दों की काट हो, मेरे सवालों का जवाब हो, तो तार्किक मंच पर सवाल रख सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूं। और अगर आपका तर्क सही है, मैंने गलत कहा है, आप मुझे यह बता सकते हैं, तो मैं अपनी बात को बदलने के लिए भी बाध्य हूं, माफी मांगने के लिए भी बाध्य हूं। क्योंकि हम ईगो नहीं रखते, हम तो यह रखते हैं कि कहीं से भी अच्छा विचार आ जाए जो हमारे जेहन में, मस्तिष्क में अब तक नहीं आया हो, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब तक कोई सही जवाब नहीं मिलता, हम चिचोड़ना भी जारी रखते हैं। मेरी बात तो छोड़िए, मैं तो पत्रकार हूं, मेरी जिम्मेदारी और भी है। मैं तो सैल्यूट करता हूं समाज के उन लोगों को जो आपकी नजरों में विरोधी, विद्रोही बने हुए हैं, लेकिन सही कहने में नहीं चूकते। और कुछ तो ऐसे हैं जो उन लोगों के पर्सनल व्हाट्सएप पर जाकर के उनको निरुत्तर कर देते हैं। मेरी उनसे व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, लेकिन जो इतनी शिद्दत के साथ, इतनी जुनून के साथ ये काम समाज के लिए कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान भी बिल्कुल करता हूं। मैं व्यक्तिगत तकरार, मतभेद से ऊपर उठता हूं जब मैं समाज के परिदृश्य में किसी व्यक्ति को अपनी सेवाएं इस रूप में देते हुए देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है। पर मुझे अफसोस है, आप वो नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, आज की बात ये कह रहा हूं तो मैं संत आचार्य विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज और हमारे पत्रकार मित्र गणपत जी भंसाली के आलेख की पृष्ठभूमि पर खड़ा होकर मैंने अपनी बात कही है। उसे समझने में, बोलने में, बताने में अगर मुझसे किसी भी तरह की भूल हुई है, तो मैं आचार्य श्री विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज से भी क्षमा चाहता हूं और हमारे पत्रकार मित्र भंसाली जी से भी माफी चाहता हूं। और मेरे शब्दों से, मेरे उद्धरण देने से, बात को विस्तार से खोलकर बताने से अगर समाज के जागरूक लोगों को कहीं कोई पीड़ा हुई है, तो माफ कीजिएगा, अंधी श्रद्धा वाले लोगों से मुझे माफी नहीं मांगनी, इसके लिए भी मुझे माफ कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कहने की जरूरत नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है।